इसका सिटी स्कैन करवाने से पहले ना आपने 8 घंटे इसको भूखा रखना है, पानी का एक घूंट भी नहीं देना इसको पीने के लिए। और 1 साल का बच्चा है जो सिर्फ दूध पीता है, और 8 घंटे कैसे ये गुजारा करेगा एक पानी का, इसके अंदर हलक में कुछ नहीं जाना चाहिए, तो तभी हमने इसको बेहोश करना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं अतिया व्लॉग चैनल और मैं हूँ अतिया उस्मान। हुज़ैफ़ा को ना आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए थे हम 1 वीक को पहले लेके गए थे, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास भी जाते थे ना, मैं हमने कहा कि हमें प्रॉपर ये रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब हमारी तरफ आई कॉन्टेक्ट नहीं करता ना हमारी तरफ। अगर जैसे हम नॉर्मल बच्चे आवाज़ है ना, तो वो फ़ौरन हमारी आंखों की तरफ, हमारे फेस की तरफ आई कॉन्टेक्ट करके देखते हैं, तो हुज़ैफ़ा प्रॉपर उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता ना अभी। तो हम जब हुज़ैफ़ा कहे तो ये हमारी आईज या हमारी तरफ मुड़ के देखता नहीं है, बस वही आवाज़ हमारी सुन के खुश हो जाता है, दिल करे तो हमारी तरफ मुड़ के देखता है। तो हमने सोचा इसकी आईज वीक ना हो, आई साइड वीक ना हो, तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और डॉक्टर कह रहे थे कि ना इसकी कानों का भी इसका थोड़ा सा चेक करवा लें कि प्रॉपर सुन रहा है इसे, और आईज का भी ना इसका ट्रीटमेंट अगर हो सके या फिर ग्लासेस वगैरह लगनी हो तो वो लगवा लें। तो इसको जब ये 1 साल का था तब भी हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, क्योंकि तब भी हमें किसी डॉक्टर ने कहा था कि ना इसको आईज डॉक्टर के, आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। तब ये बिल्कुल छोटा था, 1 साल या 1.5 साल का था, तब डॉक्टर ने कह दिया थोड़ा सा बड़ा होगा तभी ये कुछ बता पाएगा, अभी तो इसे बिल्कुल भी नहीं पता। तो फिलहाल देखने में इसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको ले जाएं। तो 1 वीक पहले हम इसको लेके गए, अब तकरीबन माशाल्लाह ना 5 साल का होने वाला है, हमने कहा अब तो लाजमी चेक करवानी चाहिए। तो हुज़ैफ़ा और हुज़ैफ़ा की दादो गई थी इसके बाबा के साथ डॉक्टर के पास, उन्होंने भी अपनी आँखें चेक करवानी थी इसकी दादो को, तो उन्होंने बताया कि वो उनको ना ऑपरेट होना दोनों आँखों का। हुज़ैफ़ा की दादो को शुगर है, तो शुगर की वजह से ना उनकी आइज को मसला बन गया है, तो आई थिंक वाइट मोतिया कह रहे हैं उतर रहा है, तो उनकी दोनों आंखों का ऑपरेट होना है। अभी कह रहे थे कि फ़ौरन करवा लेते हैं, लेकिन ना फैमिली में 2-3 फंक्शन आ रहे थे, तो हुज़ैफ़ा की दादो कह रही कि अभी मतलब 1 माह रुक जाते हैं, वो फंक्शन वगैरह गुजर जाए तो फिर मसला नहीं कोई बनेगा, क्योंकि फिर आंखों को आराम की ज़रूरत भी होती है ना, तो लाइट वगैरह और मिट्टी वगैरह से भी बचाना होता है आंखों को। तो हुज़ैफ़ा की दादो का तो आंखों का, दोनों आंखों का ऑपरेट होना है। और हुज़ैफ़ा का ना एक मशीन होती है, उसमें ना फेस ऐसे रख के ना सामने देखना होता है, और दोनों साइडों की तरफ ना थोड़ी देर फोकस करके देखना होता है। लेकिन हुज़ैफ़ा को जैसे ही उन्होंने उस मशीन में उसका, हुज़ैफ़ा का सर रखा, हुज़ैफ़ा ने तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह बहुत सर हिलाना शुरू कर दिया, और रोने भी लग गया। काफ़ी देर उन्होंने ट्राई किया, लेकिन ना हुज़ैफ़ा ने नहीं चेक करवाया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि हुज़ैफ़ा इस तरह चेक नहीं करवाएगा, डॉक्टर ने कहा कि आप इसको ना अलाइड हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर ना हुज़ैफ़ा की आँखें इस तरह नहीं चेक करनी, क्योंकि हुज़ैफ़ा बता नहीं पाता ना कि इसकी आँखों का क्या मसला है, मुझे ठीक से चीज़ नज़र आ रही है या फिर कैसे। हमने इसकी आँखें इस तरह चेक करवानी है कि किसी मशीनरी के जरिए ना हमें पता चल सके इसके बताए बगैर कि पीछे से इसकी आई साइट कितनी वीक है या बिल्कुल ठीक है या क्या मसला है। तो ये तो बता नहीं पाएगा किसी ना किसी मशीनरी के जरिए, वो पीछे से इसकी आई साइट चेक करेंगे कि पीछे से मतलब इसकी आई साइट कितनी वीक है। तो वो कह रहे हमारे पास ना वो वाली मशीनरी नहीं है, हम लेज़र वाला काम करते हैं, तो लेज़र वाला ये मतलब मसला ही नहीं है, तो आप इस तरह करेंगे इसको लाइट हॉस्पिटल ले जाएं। उन्होंने चेक कैसे करना है कि इसको सबसे पहले तो ना इसको बेहोश करना है, ठीक है, इसको बेहोश करके फिर इसकी आई साइट चेक करेंगे, क्योंकि फिर वो मशीन के अंदर डालते हैं ना, जैसे सिटी स्कैन करवाते हुए वो मशीन में डाल देते हैं ना इंसान को, वो ऊपर से बंद कर देते हैं, और फिर हिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं होता, स्टिल होके बस लेटना होता है ताकि प्रॉपर मशीन है जो आपका ना वो सिटी स्कैन कर पाए। तो हुज़ैफ़ा का सिटी स्कैन भी हुआ है, तब इसको हमने आधा घंटा या 1 घंटा बेहोश रखा है, तब ये 1 साल का था। बेहोश करने वाले डॉक्टर भी स्पेशल होते हैं कि कितनी डोज दें बच्चे को, बच्चा होता है ना बहुत छोटा है, बड़े का तो कोई मसला नहीं है, तो बच्चे को इतनी डोज दें कि ये आधा घंटा, बस आधा घंटा हमें ज़रूरत है, तो आधा घंटा ये बेहोश रहे, इसके बाद इसको ना होश आ जाए। अब सोच रहे हैं ना कि कहीं एक जगह और चेक करवा के देख लें, क्योंकि अलाइड हॉस्पिटल इतना ज़्यादा रश होता है, सुबह से कहते हैं शाम तक अगर आप बैठे हैं तब आपकी कहीं बारी आती है, तो तब कहीं हुज़ैफ़ा का तो मसला भी ज़्यादा ना, इसको बेहोश करना है फिर इसकी आई साइट चेक करनी है। तो अब सोच रहे हैं कि किसी दिन सैटरडे वो, या संडे को तो वैसे ही बंद होते हैं सरकारी हॉस्पिटल, तो सैटरडे को सोच रहे हैं कि किसी दिन हुज़ैफ़ा को लेके जाएं और उसकी आई साइट चेक करवाएं। तो हुज़ैफ़ा की दादो कह रही थी बार बार नहीं नहीं हुज़ैफ़ा के सिर्फ कान चेक करवाने, आंखें चेक ना करें, क्योंकि इसको बेहोश करना पड़ना है ना।
पहले भी एक दफा हुजैफा को ना बेहोश करके ना इसका सिटी स्कैन करवाया। तब ये 1 साल का था और डॉक्टर ने कहा था कि इसका सिटी स्कैन करवाने से पहले ना आपने 8 घंटे इसको भूखा रखना है, पानी का एक घूंट भी नहीं देना इसको पीने के लिए। और 1 साल का बच्चा है जो सिर्फ दूध पीता है, और 8 घंटे कैसे ये गुजारा करेगा, एक पानी का इसके अंदर हलक में कुछ नहीं जाना चाहिए। तो तब हमने इसको बेहोश करना, तो हमने 4-5 घंटे तो घर में उस्मान उठाए, मैं उठाए, मतलब इसको किसी ना किसी तरह हैंडल कर लिया। फिर हम हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पर जाकर भी ना कभी कुछ करे कभी कुछ करे, मतलब 8 घंटे हुजैफा भूखा रहा है। तो फिर जाकर उन्होंने डोज दी है हुजैफा को, वो भी स्पेशल डॉक्टर जो है ना, वो कह रही मैं आ नहीं सकती, हमारे घर मेहमान आ गए हैं। तो उनको बार बार कॉल किया कि बच्चा बहुत छोटा है और 8 घंटे से भूखा है, अगर आप ना आएंगी तो फिर मसला बन जाएगा। फिर शुक्र है डॉक्टर बेचारी आई है, क्योंकि स्पेशल डॉक्टर होते हैं ना जो बेहोश करने वाले होते हैं बच्चों को, तो वो डॉक्टर टाइम निकाल के बस इतनी देर के लिए आई है कि हुजैफा को ना बस वो डोज दी है उन्होंने। वो अपने साथ वाले डॉक्टर को कह दिया कि 1 घंटे के लिए, आधे घंटे, 45 मिनट के लिए इसको बेहोश करना था, इसके बाद हुजैफा को ना ऐसा ऐसा होश आ जाएगी, फिर आप ना इसको बता दीजिएगा पानी वगैरह देने हैं या दूध देना। उसके बाद भी 1 घंटा, कह रहे थे कि बेहोश होने के बाद भी 1 घंटा शायद कुछ नहीं देना, क्योंकि सिटी स्कैन और बेहोश की दवाई का असर वगैरह होता है ना, तो इसके थोड़ा देना, इसको भूखा रखना है। तो फिर वही मसला है, फिर डॉक्टर ना कहें कि इसको बेहोश करने से पहले भूखा रखना है, तो इसी टेंशन में है बस। अब देखते हैं क्या होता है, शायद हम नेक्स्ट सैटरडे जो आ रहा है सैटरडे, इस सैटरडे को हम इसकी आंखों को चेक करवाने चले जाएं, क्योंकि अगर हमें देख पाएगा तो हमें प्रॉपर देखेगा तो फिर हमें पहचानेगा। तो बस आप लोगों से यही है रिक्वेस्ट, प्लीज़ हुजैफा के लिए दुआ कीजिए, और हुजैफा जो ना अभी भी रो रहा है। तो बस आप, वीडियो ख़त्म करती हूँ मैं, बस आपसे यही कहना था कि आप प्लीज़ हुजैफा के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हमने सैटरडे को जाना है हुजैफा को लेके, और उसको बेहोश करके फिर इसके आई चार्ट चेक करनी है, वो छोटा बच्चा है ना, और बेहोश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी। तो बस फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब जैफो को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ लवली टाइम, अल्लाह हाफिज़।